हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ पाव भाजी की रेसिपी। बिकॉज विंटर्स में पाव भाजी खाने का मज़ा एकदम डबल हो जाता है। सो पाव भाजी बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल कर लेंगे ये सारे वेजिटेबल्स। मैंने वेजिटेबल्स में लिया है कैरेट, बीन्स, लौकी, कैबेज एंड बीटरूट। आप चाहो तो इसमें से किसी भी वेजिटेबल को अवॉइड और कोई और वेजिटेबल को ऐड कर सकते हो। लौकी से इसका टेस्ट एनहांस ही होगा, सो टेंशन मत लीजिए कि लौकी क्यों ऐड कर दी। एंड बीटरूट से बहुत अच्छा कलर आएगा। और इसमें जो ये पानी है ना, इसको फेंकना नहीं है, इसको हम यूज़ करेंगे इस रेसिपी में बाद में। अब ले लेना है एक पैन, उसमें ऐड करना है ऑयल एंड बटर। एंड फिर उसमें ऐड करेंगे हम बे लीव्स, रेड चिली, ग्रीन चिलीज एंड जिंजर गार्लिक बहुत अच्छे क्वांटिटी में। आप चाहो तो अनियन एंड गार्लिक को अवॉइड भी कर सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक इट विदाउट अनियन एंड गार्लिक, तो भी इक्वली टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ प्याज, कैप्सिकम एंड टमेटो, और ऐड करेंगे सॉल्ट एज पर टेस्ट एंड हल्दी। एंड फिर इसको थोड़ी देर कुक होने देंगे। और जब तक ये कुक हो रहा है ना, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन ऐसी और भी रेसिपीज देखने के लिए। फिर जब ये कुक हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ स्प्रिंग अनियन। आप अवॉइड कर सकते हो स्प्रिंग अनियन, बट आप अगर इसको विद अनियन एंड गार्लिक बना रहे हो तो ट्राई करिएगा इसको ऐड करने का, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है पाव भाजी में। एंड फिर जब ये सब अच्छे से कुक हो जाएंगे तब ऐड करेंगे हम पाव भाजी मसाला। अच्छे क्वान्टिटी में आपको ऐड करना है। एंड बाकी मसाले भी हम थोड़े थोड़े ऐड करेंगे, क्योंकि हमने पाव भाजी मसाला बहुत ज़्यादा ऐड किया है तो बाकी मसालों की क्वांटिटी कम होगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही धनिया पाउडर, जीरा पाउडर एंड रेड चिली पाउडर ऐड किया है। मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है जिसमें तीखापन बहुत कम होता है एंड कलर उससे बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। एंड फिर इसको अच्छे से मिक्स करके कुक करना है। एक बार जब ऑयल सेपरेट हो जाए तब इसमें आपको अपनी बॉइल्ड वेजिटेबल, आप देख सकते हो कितनी मशी है, ऐसे ही आपको बॉइल करना है और थोड़ा मैश कर लेना इफ़ नीडेड। और फिर हम इसमें 4 से 5 बॉइल्ड पोटैटो ऐड करेंगे। मेरे लिए पैन छोटा पड़ रहा था मिक्स करने के लिए वेजिटेबल्स, और मेरे पास इससे बड़ा पैन था नहीं, इसलिए मैंने इसको प्रेशर कुकर में शिफ्ट कर दिया और अच्छे से मैश किया। अब कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको वो जो बॉइल्ड वेजिटेबल वाला वाटर था ना, जो मैंने रखने के लिए बोला था, वो ऐड करना है, नॉर्मल वाटर नहीं ऐड करना है, उससे अच्छा कलर आएगा, अच्छा टेस्ट आएगा वेजिटेबल्स का। एंड फिर जब ये 4 से 5 मिनट बाद जब ये अच्छे से कुक हो जाए तब इसमें ऐड करना है बॉइल्ड मटर। अगर बॉइल्ड मटर नहीं है तो आप वेजिटेबल्स के साथ ही मटर को बॉइल कर लेना और फिर इसको अच्छे से मैश करना है। एंड मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी ऐड किया, 1 या 2 ड्रॉप मेरे पास था इसलिए मैंने ऐड कर दिया, बट ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। आप चाहो तो ऐड करना, इससे टेस्ट एनहांस या वो नहीं होता है, कम नहीं होता है, बट इससे थोड़ा कलर अच्छा आता है इसलिए मैंने ऐड कर दिया। फिर वापस से इसको 5 से 10 मिनट अच्छे से कुक करेंगे एंड इसमें थोड़ा सा बटर ऐड करेंगे। एंड फिर जब ये फाइनली पूरी तरह कुक हो जाए तब इसमें ऐड करेंगे कोरिएंडर लीव्स एंड स्प्रिंग अनियन, फिर से एकदम छोटे छोटे कटे हुए स्प्रिंग अनियन एंड लेमन जूस से, और फिर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एंड हमारी पाव भाजी रेडी है, बहुत ही क्रीमी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसको अब हम सर्व करेंगे पाव के साथ ऑब्वियसली। एंड चलिए इसको सर्व करते हैं, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, एकदम क्रीमी सी। मुझे पर्सनली पाव भाजी बहुत पसंद है, स्पेशली इन विंटर्स। सो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट्स में अपने थॉट लिख देना, और आपकी कौन सी फेवरेट रेसिपी है वो भी मेरे को ज़रूर बताना। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।